इस तरह की वन ऑन वन मुलाकातें चीफ एग्जीक्यूटिव और चीफ जस्टिस की नहीं हुआ करती। वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस की मुलाकात सियासी हलकों में मौजूए बहस बन गई। अपोजिशन जमातों का रद्द अमल भी सामने आने लगा। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ सैयद खुर्शीद शाह कहते हैं अब चीफ जस्टिस दिफाई पोजिशन पर आकर बात करेंगे, ऐसा हुआ तो मामला तय होने का इल्जाम लग जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान डिफेंसिव बुक की बात करें, देख लेना कोई करेगा भी तो ये नजर आएगा कि ये उस मीटिंग का सलाह है, जो नहीं करेगा तो कहेंगे ये वो मीटिंग थी जिसमें कुछ तय हुआ। तो ये बड़ी चीज़ें थी, इसको अगर बात करनी भी थी, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी भी, तो इनको ऐसी जगह मिलना था जहाँ से ये कोई बाहर लोगों तक बात नहीं आती। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने मुतालबा किया है कि वज़ीर आज़म असेंबली का इजलास बुलाकर अरकान को एतमाद मिले। इस तरह की वन ऑन वन मुलाकातें चीफ एग्जीक्यूटिव और चीफ जस्टिस की नहीं हुआ करती, और चूंकि ये दरख्वास्त वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पे हुई है, ये मुलाकात वज़ीर आज़म की दरख्वास्त की हुई है, लिहाजा ज़रूरी है कि कौमी असम्बली का सेशन बुलाया जाए और पार्लिमान का सेशन बुलाया जाए और वज़ीर आज़म पार्लिमान को इस मुलाकात के ऊपर एतमाद मिले। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और चीफ जस्टिस के दरमियान मुलाकात के हवाले से सियासी हलकों में हलचल मच गई है। तहम इस मुलाकात के असरात क्या मुरतब होंगे, वक्त फैसला करेगा।